Vivo V23। तो गाइस फाइनली इस फोन के अंदर एक लेटेस्ट न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपका डेटा डिलीट ना हो, ओनली फॉर आपका फोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राजा बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारे पास Vivo V23। तो गाइस फाइनली इस फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो कनेक्ट कर लेना है, और याद रखिएगा कि आपका चार्जिंग जो यहाँ पे आपको 50% से ऊपर रखना है। फिर गाइस आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे कि जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फन टच ओएस न्यू वर्जन फाउंडेड 13.1.15.13, और इसकी साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो 862 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो आया है। और गाइस इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ न्यू चेंजेस किया है, क्या कुछ न्यू बग फिक्स किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में आगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 100% हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग अपडेट लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ पे Vivo 5G की ब्रांडिंग आ चुकी है। फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये फ़ोन जो स्टार्ट ना हो जाए। और गाइस अभी जितनी भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। इस फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ आपको देखे रहना है ये कब स्टार्ट होता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन Vivo 5G लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड। यानी कि जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको जल्दबाजी में आके कोई भी चीज़ जो प्रेस नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखेगा। तो गाइज यहाँ पे अगेन Vivo 5G लिखा हुआ आ चुका है। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करते हो तो ओनली फॉर आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है। जैसे कि मैंने ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया वो आपने फॉलो किया होगा तो आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा, ओनली फॉर फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स, 72 एप्स इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो रही है। तो गाइज ये प्रोसेस सारी ख़त्म होने में तकरीबन 15 या 10 मिनट जितना टाइम लगता है, तो आपको शांति से जो वेट करना है। और गाइज फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो गाइज उसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, यहाँ पे सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे गाइज यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो गैलरी में जो भी हमारा डेटा था वो वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आप भी एक बार चेक कर लेना आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।